घर जाके अपनी बेटी की शादी की तैयारी करूं। खुदा झूठ ना बुलवा, तीसरा फेरा है तुम्हारे घर का। ये तो ठीक है बहन, लेकिन जब तक बड़ी की शादी नहीं कर लूं, छोटी के लिए हाँ कैसे करूं? अरे भैया, तुम्हारी बड़ी बेटी की डोली तो जिंदगी भर नहीं उठेगी, और कौन है हिम्मत वाला जो उस बूढ़ी बेजुबान को अपनी दुल्हन बनाएगा? अल्लाह ना करे ऐसा हो, आखिर एक ना एक दिन उसे भी तो जाना है। मैं बाप होकर बड़ी बेटी की हक तलफी कैसे कर सकता हूँ? अरे मुंशी जी, कुछ तुम्हें समझाओ सेठ साहब को। बड़ी में तो भला कट सारा, छोटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हैं? अगर बड़ी बेटी को रिश्ता 10 साल नहीं आया तो क्या छोटी को सफेद बालों से ब्याहोगे? योजना चीज की राय पूछते हैं सरकार, तो बेगम साहबा को हाँ कह दीजिए। आपका मतलब है मैं हर आए हुए रिश्ते को बार बार ठुकराने ठुकराने नहीं सरकार। बड़ी बेटी के जब नसीब जागे तो उसका सवाल दिया जाए। अरे मुंशी जी, अल्लाह आपका भला करे, बड़े हकीकत मिजाज है भैया। अब जल्दी से मैं मीठा करवा दीजिए और शादी की तारीख दे दीजिए। अच्छा, जब आप सबके यही रहे हैं तो कल इस माह की 18 तारीख को बारात लेकर आए। मुबारक हो भैया आपको, मुंशी जी आपको मुबारक हो। मुबारक हो भैया, जल्दी से मैं मीठा करवा दीजिए ना। क्या मेरी शादी? घर जा रही है, रोने की बजाय खुशियां मना। अल्लाह तुझ पर भी ये वक्त लाए। हमारे जमाने में माँ ब्याहता दुल्हन सबसे पहले उठकर सास के पास दावा करती थी, सर में तेल डालकर कंघी चोटी किया करती थी, नहलवाती थी, कपड़े बदलवाती थी और फिर पांव पसीना हो जाती थी। अरे छोड़िए अम्मी, आप किस जमाने की बातें ले रही थी? आजकल की दुल्हनें ये नौकरों वाले काम नहीं किया करती। तो फिर क्या काम है इन नई लौंडियों के? एक खानम के साथ क्लब जाना, वन डिश पार्टीज अरेंज करना और दोस्तों के साथ घूमने फिरना। हाय मनोज, ऐसी दुल्हन आती जो तेरे दोस्तों के साथ घूमने फिरे? वो आप नहीं समझती अम्मी, जमीला को देख के मेरे दोस्तों को इम्प्रेशन पड़ेगा कि मैं करोड़पति आदमी का दामाद हूँ। सोसाइटी में मेरी इज्जत होगी और ये सब कुछ जमीला की वजह से होगा। और आप है कि जमीला को नौकरानी बना देना चाहती हैं? वेरी बैड, वेरी सैड मम्मी। हाँ, नौकरानी नहीं रानी बना उसे, नाची बना, घर से बाहर ले जा दोस्तों का दिल बहलाने के लिए, नानी घर में कमरा ले दे उसे। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, वेलकम मम्मी। आदाब भैया। खाली शुरू रखिए, कभी ना बोला कभी बात करो। और देखिए यार के चेहरे पर निखार बना रहा है। लेकिन सारी बात ये है कि ये सारी करामत निश्चित आती की। चलो नेक्स्ट टाइम। नहीं आती, मुझे शर्म आ रही है। कम ऑफ इट नाउ डार्लिंग। अरे इतने मॉड आदमी की बीवी हो तो दौलत में बाप की बेटी होते ना, इतना बैठे के तो सीखते करेंगे ना। फ्रेंड्स क्या सोचे? नहीं आते। कमा 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 Thank you.
बैठी, चुप क्यों बैठी हो? खाओ ना, खाओ खाओ। ये तो बहन की जुदाई और अपनी तन्हाई के लिए रो रही है, और मैं अपने आप को इस बेजुबान बेटी का मुंशी समझता हूं। मुंशी जी, छोटी तो ब्याह गई है और बड़ी अब तक घर में बैठी है। ये तो सब तकदीर के खेल है मालिक, इस तकदीर की क्या खबर। हर बात में बात ही को मुझे ठहराएगी। बचपन में माँ की मौत के सदमे का इतना गहरा असर हुआ है कि ये अपनी निराम खो बैठी है। हर इलाज बेअसर साबित हुआ है। मुंशी जी, ये तो अल्लाह का रहम है कि शकीला सुन सकती है, बोल नहीं सकती। मुंशी जी को ऐसी सूरत बताइए कि मैं इस मासूम बेटी सुरखरू हो जाऊं। इसके सिवा और क्या हो सकता है मालिक, कि हम खुद सवारी बनकर किसी के घर जाए। कोई दूर नजदीक का रिश्तेदार जिसके माली हालात अच्छे ना हो, उसके घर दस्तक दीजिए। शायद दौलत की चमक और तरफ शकीला बेटी के दुखों का इलाज बन जाए। मुंशी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे दूर के रिश्ते से एक भाई से जो मर गए हैं, उनकी जिंदगी में भी हालात तसली बख्श नहीं थे। हाँ, उनके उनके दो बेटे थे। बड़े की शोहरत अच्छी नहीं, लेकिन छोटा किसी दफ्तर में मुलाजमत करता है। हम खुद अपनी भाभी से जाकर बात करेंगे। हो सकता है वो दौलत को अपनी जरूरत समझकर हमारी बेटी की कमर पर डाल दें। दुख अपनों को बांटने पड़ते हैं भाभी, इसलिए मैंने सोचा आपके छोटे बेटे से। छोटे बेटे की बात पक्की हो चुकी है। हाँ, बड़ा बेटा शाही दफ्तर खाली बैठा है। ऐश करता है, गुलछर्रे उड़ाता है। माँ, ये लोग माँ देखो, पूरे साथ में हैं तीन लोग। देखा कितना लायक है मेरा बेटा, खुदा झूठ ना बुलवाए, हर रोज इतने पैसे लेकर आता है। अरे तो सलाम कर देते शायद तो? शराबी बेटे के लिए, शराबी और जवारी बेटे के लिए। शराबी जवारी तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन तुम्हारी बूढ़ी बेटी जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकती। जिंदगी भर ठीक नहीं होगा अंकल,
ये मेरा ही नहीं हम दोनों का फैसला है। और फिर वो मुफलिस कल्लाश इस काबिल भी तो नहीं देखी कि आप उसकी बराबरी कर सके। आप अपने लिए नहीं तो हमारे स्टेटस का ख्याल रखें। जमीला जायदाद जमीला के नाम कर दीजिए अंकन, वरना वो शराबी ज्वारी आपको लूट खाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी मासूम और बेजुबान बेटे को दुनिया में बेसहारा नहीं छोड़ सकता। मैं उसका हिस्सा किसी को नहीं दूंगा। तो बस यूं समझ लीजिए अंकल, आप जमीला के लिए और जमीला आपके लिए मर गई, और आपकी और हमारी रिश्तेदारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। खत्म नहीं, आप तो अब शुरू हुई है। आप सिर्फ बेटे, मैं अपनी तमाम जायदाद शकीला के नाम कर दूंगा और उसे शराबी से ब्याह कर अल्लाह से उसकी खुशियों के भेद को मांगूंगा। तो तेरे बाप ने दौलत के बलबोते पे तेरी शादी कर ही दी ना। उस बुढ़े दौलतमंद को चाहिए था तुझसे बातें करने के लिए तेरे साथ खूबसूरत सी नौकरानी भी गई, मगर दर्द तेरे की गूंगी है तू तो मरवा दिया मुझे मेरे कृष्ण छोड़ दे। शकीला बेटी, बैठो बैठो बैठो। लाल वाले तुमसे अच्छी तरह मिले हैं ना, तुम्हारे शहर का तुमसे रवैया कैसा है? पंछी जी जो जो शायद बेटा क्यों नहीं। वो जिन कानों पर जाता है तुम्हें वो कान उससे छुड़वाने होंगे। मैंने सिर्फ तुम्हारे खूबियों की वजह से तुम्हें अंगारों में झोंका है, और मुझे उम्मीद है कि तुम उन अंगारों को फूल बना लोगे। देखा मुंशी जी मेरी बेटी कितनी सुंदर और नेक है। बस कल से शकीला उसका खान उस छोटे से मकान में रहे, हम जो बदला शकीला के नाम कर देंगे और खुद उस नए वाले बंदे पर चले जाएंगे। आप खाली वकील साहब को बुलाकर मेरी आधी जायदाद और दौलत शकीला के नाम कर दीजिए, ताकि इसका हम खुद ढंग का कारोबार कर सके। Yeah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
अच्छा भैया आज का सबक याद करो, दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए कि दिल खुदा का घर है। इसलिए खुदा का घर है। शाबाश, अल्लाह तुम्हें इस मुल्क का अच्छा शहरी बनाए। चलो चलो। हेलो छक्का, आज हम मम्मी और डैडी वाला भी खेल खेलेंगे। मीना तुम हमारे दूध के लिए दो ग्लास और कोका लाडा कर लो और हम डांस खेलेंगे। ये ठीक है। क्या है फिर? अरे अपन के पास तो कोई चीज नहीं है यार। हुँ 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 हुँ। अभी बस तो चार बैग में आ रहे हो भाई। चार? हम्म, अब तो तीन दिन है, चार कैसे हुए? जानो जरा अपने आप को शामिल करके इनको बताओ तो ये कितनी भेजी। ओह नो, वेरी बैड। एक तो जीतते हो, जीतने चलाते हो नहीं। होता होता है सर, होता है। ये क्या हो रहा है जमीन बेटे? क्या हो रहा है? हमारा मम्मी वाला खेल खेल रहे हैं। शाबाश बेटे, शाबाश। बाप पर तू, पिता पर घोड़ा। बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे बेटे ने बिल्कुल तुम्हारा जैसा स्टाइल बनाया है। तो क्यों ना हो, शी इज सर लाइक सन। कहाँ जा रही है मम्मी? क्लब। वो भी चलते हैं। नहीं बेटे, आप घर पर खेलो, क्लब जाकर आप क्या करेंगे? आज जा रही है तो मैं क्यों ना जाऊँ? शी इज मदर लाइक जॉब। क्या करूँ भैया, अकलौती बेटी है इसलिए इसकी हर बात माननी पड़ती है। नहीं बेटे, तुम डांस नहीं करो। अपनी सहेलियों को नहीं रोकते, वो भी तो डांस करेंगे। मैं भी डांस करूंगी। भाई क्या दिया के? तुमने वो करेंगे जाना, अरे जी क्या है बेटे, डांस। Yeah.
मैडम यहाँ से चलना चाहिए। जिसके साथ हमारा रोमांस चलता उसको दिखाने के वास्ते इधर लाया, वो हमको इधर होटल नहीं मिलता। हम भी उसके साथ ऐसे ही लाइटा देवी, हम तो उनसे मशवरा मांगता है। तुम उसे देख कर बताना वो हमारे साथ सीरियस भी है या नहीं। वो नहीं आएगा मैडम, खुदा के लिए जल्दी चलो। ओह माय गॉड, क्या मुसीबत बना दिया हमारे लिए। ओ बेटा दिन लाओ। बैड लक, गुड लक चाहिए यार जी। क्या बात है अंकल, खेल खत्म कर दिया, बहुत हार गए थे अंकल। आप तो हार के भी जीत सकते हैं, कैश मुझसे ले लीजिए ना। नहीं डैडी, बस अब आप मुझे खेलिए, चलिए घर चलिए। That's your right, all of you, all of you. बहुत सीरियस हो, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को कोई मॉडल तरबियत नहीं दी, कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं तुम लोगों को कि आजकल के दौर में, आज के वक्त में लोगों के साथ किस तरह मिलना चाहिए, क्या नशिस्त बर्खास्त होनी चाहिए, मिलना तो बता देते। हाय हमारी क्या पूछते हो, हम तो आज एक नए रोमांस में खो गए थे। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अपनी बहन को देखा तुमने, तुम्हें याद है ना कि बचपन में वो हमें अपने हाथ से कोक पिलाया करती थी, याद है ना? बिल्कुल। आज सॉफ्ट ड्रिंक को जरा मैंने हार्ड बना दिया तो रूठ के चली गई नाराज हो गई। खैर कोई बात नहीं, बचपन और जवानी का फर्क होता दोस्त। यही फर्क तो निकालना चाहता हूं बेटे। माना जान की तबीयत और आपकी दुआ में हमने जिंदगी के तमाम कांटे चुन लिए। ऐसा लगता है जैसे आपकी मौजूदगी हमारे लिए रहमतों और बरकतों की छांव है। इजाजत है हमें? इंसानी जिंदगी आपकी गाड़ी से ज्यादा कीमती है। यह कोई कुछ नहीं मिलता, यह जानबूझ कर गाड़ी की नीचे आई है। हाँ गरीब जानबूझ कर ही सामने आ जाता है, कसूर भी सड़क पर चलने वाले का होता है। इस डेस्क को छोड़िए भैया, बुढ़िया को हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। उसे गाड़ी में बिठा देकर जल्दी मैं आता हूँ। इधर आओ तुम, इधर इन मोहतरमा को थाने ले जाओ, इन्हें बच्चे में गाड़ी चलाने का सलीका आना चाहिए। बैठिए बैठिए जी, तशरीफ रखिए, गरीबों का खून करते रहिए। ऐसा कीजिए कि ये दवाएं बाहर से मंगवा लीजिए, इनमें शायद इंजेक्शन ये ना मिले क्योंकि आजकल इनकी किल्लत है। आप एक काम करें डॉक्टर जी, आप मेरा ये कार्ड रखें, जब भी आपको इस दवाई की जरूरत हो किसी भी कैमर के पास ये कार्ड भिजवा दीजिए, दवाई मिल जाएगी। अरे रेडे फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक आप? मालिक अल्लाह है मैम राजीव। कोई बरत में मेरे बेटे होते थे, किसी बेटे के लिए वो काम करते हैं, दवा से नाम है उसका। गुलबर्ग में तो एक ही ब्यूटी क्लिनिक है माँ जी, रीटा ब्यूटी क्लिनिक। हाँ हाँ यही नाम है, उससे तुम्हें पूछवा दो कि मैं वहाँ से पा रही हूँ। बेटर माँ जी, तुम एक काम करो बेटे, ये दवाइयाँ बड़ी जी के लिए लेके ना इनके बेटे को इतना करो। जी बेटर, राइट जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, इन्हें दूसरे कमरे में लैब इंतजाम करवा दो। खुदा हाफिज माँ जी, खुदा हाफिज। जी ये शराफत बोला नहीं था, वो मेडिसिन नहीं मिलता। अजी मैं लानत भेजता हूँ बेईमानों को। मैं जो था ये दवा मिलेगी? नहीं मिलेगी।
मिनिस्टर। यस अनिल, कार्ड आपने कहां से उड़ाया? जिस जगह आपने ये दवा छुपा रखी है। बहुत खूब आदमी आप हासिल जवाब। एक्सक्यूज मी, इंटर रेंजी बैरक है, काफी जख्मी मालूम होते हो। इसलिए दरवाजे से ले लो जाकर पौने दो रुपए की बोतल। शुक्रिया शुक्रिया। जैसे आपने जख्मी कहा वो आदमी तो ठीक ठाक था। बात अपने तक ही रखिएगा, शराब ने उसके फेफड़ों को जख्मी करके रख दिया है। तो गोया आप ये धंधा भी करते हैं? हम तो हर धंधा करते हैं साहब, और अगर कोई ईमानदार आदमी सपोर्ट कर देता है तो छापा पड़ जाता है। जब छापा पड़ जाता है तो हम नोट लगा देते हैं। जब हम नोट लगाते हैं तो नोट आते रहते हैं, नोट जाते रहते हैं, और लोग कंजी वीरस पीते रहते हैं। वैसे आपको ये दवाई अपने किसी अजीज या अजीजा के लिए चाहिए? आपका मतलब? मतलब ये कि मैं आपको इसकी कीमत रिश्ते की मजबूरी के हिसाब से बताऊंगा। तो गोया आप ब्लैक भी करते हैं? सभी करते हैं साहब। चीनी वाले ब्लैक करते हैं, घी वाले ब्लैक करते हैं, आटे वाले ब्लैक करते हैं, और मैं तो ब्लैक के साथ साथ कुछ व्हाइट भी करता हूँ। ये सवाई चाहिए आपको किसी अजीज के लिए चाहिए होंगी। 48 रुपए 95 पैसे। थैंक यू शराफत सेठ। यस, आज के बाद आपकी इस कंपनी का लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। क्यों साहब, मैंने क्या किया? सिर्फ 20 रुपए ब्लैक लिए, और मैं अपनी कंपनी की दवाओं की ब्लैक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। कुछ नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आदमी नहीं खराब, क्या जमाना आ गया जिसका गला दबाओ आंखें निकालता है कम्बा। तुम कौन हो मिस्टर? जी वो तुम कौन हो लोग लिखूंगा? बस चलिए, इधर आदमी लोग करी मेरे लोग का बाल बनता देखो। एक मिनट सिस्टर, मैं यहाँ बाल बनाने नहीं आया। वो मैंने करनी है। तुम जैसे बिगड़े हुए रेल साधे दिन में 10 चक्कर लगाते हैं और मार खाकर वापस लगते हैं। ओह, इसका ग्रीन वर्जन हम करेगा मिस्टर मारा बात से। हेलो मिस्टर, अरे अरे क्या जरूरत रखी है मैडम, मैं यहाँ किसी ने अधिपत मिलने आया था। मुझे क्या काम है तुमको? हेलो तो आप दो, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी और आसान होगा आपका। नाम अदीबा है और सलूक अनपढ़ लिखा करती है। और डोंट टॉक मैन, तो हमारे लड़की का फ्लैट नहीं कर सकता। चला जाती नहीं तो जिद्दी मैं फ्लैट नहीं जाएगा। जो भी मैं करूं मैडम, लेकिन मुझे दीबा को फोन हॉस्पिटल दे दे। जी हाँ, आपकी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और सिविल हॉस्पिटल में। और नहीं कौन, ये तो पंडा तो नहीं है जिम्मेदारी है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने कह दे दिया है कि रेसिडेंट में मैडम वहाँ पहुँच जाए। मैं तो उनकी हालत ठीक है, मैं उनको दुआ देने जा रहा हूँ। अब तो ठीक है बेटी, ये दोनों लड़के बहुत अच्छे। तुम है जी सब मेरे भैया साथ थे। बहुत ही लेट बच्चे चोट तो किसी गाड़ी से लगी, हर प्रकार से लेकर आए, दवाई लगा के दिन कंधा दिलवाया। वैसे आपकी बेटी ने भी मेरे से बहुत कुछ नहीं किया। मैं क्या अप्लाई केक कैसे फ्रूट और लगाने क्या क्या उठने का नाम ही नहीं लेते थे। तो मैंने कहा हमने कि तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, फिर कहीं वहां से निकली। मिस्टर मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार जी। मेरा नाम आबिद है। वैसे आपकी अम्मी ने जितनी तारीफें की हैं उतना अच्छे इंसान नहीं हूं मैं। बहुत सी खामी है मुझ में और आपकी इंसान खुदा का पुत्र है। आखिर आपने भी तो ब्यूटी क्लिनिक में मेरे साथ गलती ही की थी, जिसके लिए आपको शर्मिंदगी हो रही है। जी हाँ, बहुत शर्मिंदगी हो रही है आपने गलती की। इंसान गलती का पुतला है शेर साहब। मेरा एक जुड़वा भाई है, बिल्कुल मेरा हमशक्ल, एक हराम ज्यादा इंसान है कमा। मेरी गैर हाजिरी और लाइनों में दवाओं की ब्लैक करता है। दवाओं की ब्लैक? मरीजों को दवाओं से महरूम रखता है? जी हाँ, और
बात सुनते सुनते आपके छोटे भाई अभी सूरत तक पहुंच गए। तो मुझे जो खबर मिली तो मैंने तो जायदाद से आप कर दिया उस खबीर को। अब आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हो कि कहीं ना हो गलत फहमी में मेरा कोटा वगैरह कैप्चर कर। कोटे की बात छोड़े मोहतरम, दवाओं की ब्लैक करने वाले को मैं कोटे जेल भिजवा सकता हूँ। मैं तो भी खुशबूद हूँ। तो फिर जुर्मा भाई तो जुर्मा है, उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। अरे साहब क्या करूँ, वो कमर तो जायदाद से आप होने की खबर सुनते ही टिकट कटा जहाज का बंधन चला गया, मुझे छोड़ गया। आप इतना करें जी, हम उसे मुख्य भाव बुला दें। ठीक, मैनेजर से कहो कि शराब की दरखास्त दें और केस पुलिस को दें। मैंने कोई मैजिक तो नहीं किया, आखिर आप लोग मेरे जमानत को ले सकते हैं। फोन करके अपने किसी जमानती को बुलवा लीजिए। जी कलाम साहब, मेहरबानी। अरे बेगम, अरे भाई, अरे अकेली फोन तो सुनो आगे क्या मुसीबत है। हेलो हेलो मम्मी, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बुढ़िया आ गई है गाड़ी के नीचे। आप डैडी से कहिए कि वो आकर मुझे जमानत दी, मेरी जान छुड़ाई यहाँ से। डाली कुछ सुनो तुमने, क्या हुआ? दोनों पुलिस स्टेशन बैठी हुई है, उसकी गाड़ी के नीचे एक बुढ़िया आ गई है। दोबारा आप तो कहा छोड़ दो। बेगम तुम भी कमाल करती हो, अरे 1.5 लाख हार के मैं गेम बंद कर दूँ। अम्मी को बताने का ये मतलब तो नहीं कि दिन आपको मेरे पास पैसे हैं, अपने पैसे अपने पास रखिए। मैंने क्यों कहा है कि आपका पर्स खाली है? मैं ये भी नहीं कहा, मेरा पर्स है। क्यों कैसी थी? होगी अभी गाड़ी में बैठी परेशान हो रही होगी, ये लड़ाई करनी है तो घर से कर लीजिएगा और बिना पार करें। अच्छा अच्छा, तो तुम आप घर भी चलोगे? चलिए नहीं जाता बाबा। भाई मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, आप जो नहीं है दीदी, प्लीज कहीं और जाके लड़े। जी जी जी, ए मिस्टर कैशियर, चलिए से बात करो। इनको तो फोन नहीं है बेचारे। ओ आई सी, तो आप नहीं किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे? इसी की बात है भैया, आप जल्दी से सी दीजिए। जानते हैं देखो, आइए चलिए। शौकत माय डियर फ्रेंड, तुम्हारी शराब पीते हुए एक अरसा गुजर चुका है, मेरा बिल कितना बन चुका है? 10 साल से मैंने तुमसे बिल की डिमांड नहीं की, और फिर दोस्तों से बिल का क्या ताल्लुक? क्या फैक्ट्री अपनी है, पिए जाओ। चेस चेस, बस थाने से इतला ही है कि शराबा साहब पकड़े गए हैं। पकड़ लिया? चलो भाई, उसे छुड़ाने का बंदोबस्त करो, वो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर भी है ना। शराबत ना हुआ तो तुम्हारी जाली दवाएं और शराब कैसे बिकेगी? उसे इन हालात से बचाना चाहिए। शौक से कमल चलो, सजा तो खैर मिलेगी है, लेकिन मैं उस दवा सांस को तबाह करके रख दूंगा। शौकत भाई, तुम फिक्र क्यों करते हो शराफत? शौकत के जीते जी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई कुछ तो क्या बिगाड़ेगा, मेरा नाम भी शराफत है, शराफत, और मैं हूं शराफत का दुश्मन। तुम हमारे दोस्त हो ना शराफत, इसलिए शौकत ने फैसला किया है कि हम तुम्हारा मुकदमा जरूर लड़ेंगे। मुकदमा तो खैर लड़ा ही जाएगा, लेकिन अगर मुझ जैसे दो चार और मेडिकल स्टोर के मालिकान ब्लैक करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारा कारोबार तो तबाह हो जाएगा। खैर देखा जाएगा। लड़ूंगा इस अंदाज से कि वो दवा साज अपनी जान बचाने के लिए दवाओं की भीख मांगेगा, और दवा देने वाले सारे हाथ मेरे गुलाम होंगे, जख्मी गुलाम। मेरी सादगी देखो कि मैं तुम्हें न जानते हुए भी तुम्हारा टेलीफोन मिलते ही हम चला है। आज आए तो तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया बल्कि अपने आप का भला किया है। दरअसल मेरा एक अजीब करीब दोस्त तुम्हारी फैक्ट्री में बनी हुई दवा के इस्तेमाल से मौत के मुंह में जाने वाला है। ध्यान रखते हो, अर्ज करता हूं
शान को बचाने के लिए मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं। किस बात? मुझसे दोस्ती कर लो। मैं अपने दोस्त की मौत पर खामोशी की चादर डाल दूंगा। खुलकर बात करो यार, मुझे तुम्हारी बात झूठी और अंदाज में निभाना लगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं मुजरिम ही नहीं, जुर्म परस्त भी हूं और अपने अंदाज में तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर तुमने मेरे दोस्त शराफत के रास्ते में दीवार खड़ी करने की कोशिश की तो मैं उस दीवार को गिरा दूंगा और हो सकता है कि उस दीवार के नीचे तुम भी दब कर मर जाओ। तुम शौकत हो, सर उठाकर बात करो। मैं जाहिद सर झुकाकर जिंदगी गुजारना चाहता हूं, लेकिन इतना याद रखो, बदकिरदार इंसान झुके हुए सर खुदा के अजाब की जद में कभी नहीं आते। तुम मुजरिम परस्त होने का दावा करते हो, मैं मुजरिमों का दुश्मन। जब चाहो जिस वक्त चाहो वार कर देखना, जिंदगी के हर मोड़ पर नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। चैलेंज कबूल किया मैंने बेटे, मेरी बहादुरी देखो। मेरी जब में इस वक्त लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, इसलिए कि मैंने आज तक अपने दुश्मन की पुश्त पर वार नहीं किया। बुद्धिमानों के हाथ कमजोर होते हैं, इसलिए वार नहीं। खुदा शहजाद, हाउ आर यू अंकल? कैसे याद फरमाया? बस ठीक हूं बेटे। फोन की जहमत इसलिए दी थी कि आसिफ के बहुत फोन आ चुके हैं, वालिदन गेम में बेचैन कर रखा है उसे। ठीक है अंकल, आपने भी तो उसे कंगाल करने के लिए बैंक में छोड़ा ही क्या है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया। मैं तो इस उम्मीद पर हूं कि किसी तरह ससुर से मिलने वाली बीवी के हिस्से की जायदाद भी मिल जाए उसे। ओह, बड़ी गहरी बात की है आपने अंकल। खैर तफसील बाद में पूछूंगा, आप जाइए जरूर। पहले की तरह आपके भी कार्ड्स आपकी फेवर में होंगे जी। गुड लक। ससुर से मिलने वाली बीवी के हिस्से की जायदाद। कुछ और लगा के तुम्हारी लक ने तुम्हारा साथ ले। अरे इस वाली लक ने मेरा विवाह कर दिया। हेलो, इट वाज अ गुड गेम। लेकिन याद रहे, कल से तुम्हारी फैक्ट्री और दफ्तर का मैं मालिक। फैक्ट्री और दफ्तर का हाल क्या तुमने? ये क्या किया आपने? सब कुछ हार दिया। मैंने कुछ नहीं किया बेटे, कुछ नहीं किया, बस लकी फेवर नहीं किया। तो गॉड गुड बाय आसिफ। क्या जी आसिफ हो गया? मैंने सब कुछ हार दिया, ऑफिस बिजनेस जायदाद सब कुछ। तकदीर तकदीर में हार गए बेटे। लदीन बात लाख लगा दीजिए ना। जू का जुए की बहुत सी किस्में होती हैं इसमें। क्या कह रहे हो ना? क्या कह रहे हो कि दावा? जी हाँ बेटा, बैंक ने अपने कर्जे की वसूली के लिए अदालत से आपके घर और उसके सामान की कुर्की ले ली है। की कुर्ती घर को खाली करते
किस्म की मजामत आपकी और आपके घर वालों के लिए मुसीबत का बायस बन सकती है मिस्टर आसिफ। प्लीज आप ये घर छोड़ देना ना। घर खाली कर दीजिए आसिफ, घर खाली कर दीजिए डैडी। तुम ठीक कहती हो बेटी, ठीक कहती हो। चलिए और चलिए और जमीला जिस हालत में चलिए और इधर वकील साहब हमें घर खाली कर रहे, छोड़ रहे घर पर जा रहे। अब ये तो ठीक है, लेकिन तुमने भी क्या मजाक बना रखा है? मजाक? मैं तो अभी की तिमारदारी करने आया था। तिमारदारी जी? खुदाई खिदमतकार, तुमने दिन भर हमें कितने दिक्कत में डाल दिया है। अरे बेटे क्यों लड़ रही हूँ? क्यों ना लड़ो अम्मी, वाले वाले क्या सोचेंगे? ये कौन लोग क्यों आता है? आज खड़ा है, कल मेरे पीछे सड़क पर भी आ जाएगा। जा रही हूँ, खुदा। दिल नहीं, दिल देखकर आपको मुसीबत में डाल दिया। और ये शराब उसका इंतहा तक पहुंचता जा रहा है, बस मंजिल नजदीक आने वाली है। देखिए वो मैं लगभग कतिश्मे घर पी लाई ड्राइवर लेने गया। आपसे एक और सवाल करती है। हमारे मुसीबत नंबर वन आर्टिस्ट है अपने काम का। ओह गुड बेबी, आपको कोई शिकायत नहीं होगा मैडम? थैंक यू। दिल नहीं, दिल देकर आपको मुसीबत में डाल दिया। Yeah.
उसी के भंवर में फंस चुकी है जलील। मैंने तुम्हारे खानदान को इस तूफान से निकालने के लिए एक एक लहर का सीना चीर कर देखा है। बात मुझे भी कर रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कभी कभी बात बातें समझे बगैर ही जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। बस यूं समझो जमीन के एक जमीन के नीचे करोड़ों का खजाना मौजूद है, और खजाना मैं तुम्हारे दामन में डालना चाहता हूं। तुम्हारी मुफलिसी दूर हो सकती है, कर्जे खत्म हो सकते हैं, और तुम्हारी अय्याशियां एक शहंशाह की तकदीर बन सकती है। खुदा ना जानता, बताओ शौकत, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? हर राज की अपनी कीमत होती है और राजदान की कुछ शर्तें। तो मेरे दोस्ती हम रखते हैं, मुझे तो यहां से तुम जरूर मिट्टी के बेजान पुतले की तरह तुम्हें गुंगा और बहरा बनकर मेरे इशारों पर नाचना होगा। नाचूंगा नाचते तो दीना भी बहुत अच्छी है। तुम दीना को भी हासिल कर सकते हो, मैं घर वालों को मनाऊंगी शौकत। हाँ, तुम्हारे घर वाले ना भी माने तो तुम अपने मुफलिस बाप से इस इंसान की पहचान और अपने रिश्तेदारी पूछ सकते हो। यह तस्वीर किसकी है? यह तस्वीर नहीं, तुम्हारी किस्मत का फैसला है। बैंक का कर्जा भी कर सकता है। वो कैसे? शौकत को बिठाना नहीं।
दीजिए, पाई पाई रख देगा। इसका मतलब ये है कि तुम लोग हमारी मजबूरी खरीदना चाहते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है दीना, क्या फजूल बात की है तुमने जभी? अम्मी और दीना के सामने मेरी पोजीशन खराब करना चाहते हो? चल माफ करो दीना, गलती हो गई। अपनी लापरवाही और जज्बाती गुफ्तगु से टालने की कोशिश मत करो। जेल में सजा मैं काटकर आऊंगा और क्लब में ऐश दूर कर देना। तुम जुआ खेलते खेल का काम कम बात है, मैं तो सिर्फ देखता रहता हूं और हारने वाले गांव ही देखता हूं। बंगले की बजाय क्वार्टर में रहने वाले आसिफ के उस चेहरे को जाकर देखो, जिस चेहरे पर छाई हुई गुर्बत से तुम्हें मेरे काम का अंदाजा हो जाएगा। वो बेचारा अपना सारा माल जुए में हार कर बिल्कुल पल्लाश हो चुका है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा दुश्मन आसिफ नहीं जाहिर से है। याद रखो, शौकत एक तीर से दो शिकार खेलने का आदि है। मैंने पूरी तरह छानबीन की है, जाहिर आसिफ का करीबी रिश्तेदार है, उसकी बर्बादी है तेरे या मेरे हाथों नहीं, उसके अपने खानदान के हाथों से होनी है, जमीन के हाथों, बीमा के हाथों। क्या कह रहे हो शौकत? चुपचाप देखते जाओ, जाहिर की तबाही के खेल में बीमा हमारी साथी मुजरिम बनकर एक पके हुए फल की तरह हमारी झोली में आग गिरेगी। लेकिन बीना जमील की बहन, मैं जानता हूं और जमील को मैंने समझा दिया है। जायदाद के हिस्से का लालच उसकी जबान को खामोश और आंखों को अंधा कर देगा। हाँ, इसका मतलब है जाहिर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरी तबीयत भी कोई खाकर भाई, आप इतनी देर से घर के सिलसिले में तशरीफ लाए, खैरियत तो है? खैरियत नहीं भैया, आज तो हाजिर हो गई। फिर बात एक दिन मेरे बाद अपनी बेटी और बीवी से शराब के लिए पैसे मांग रहा। वैसे आप इन बेगैरत लोगों से क्यों और कहां मिले? जी उस बुढ़िया के पड़ोस में। किस बुढ़िया के पड़ोस? भैया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके घर आपके सिलसिले में तशरीफ ले गए? जी बताइए भैया, की बात करी कि नहीं? लगता है आप उस बुढ़िया को मारकर ही दम ले। अब कैसी है बुढ़िया? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके इसी तरह उस घर में विजिट करती रही तो इंशाल्लाह जल्दी फौत हो जाएगी, समझा? जी सुना है उसके एक लड़की भी थी जिसे आप ब्यूटी क्लिनिक में इतला देने गए। जी जी हाँ, वो बदलू लड़की, उसकी छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई। तेरी भी छुट्टी हो जाएगी। आपके हालात में तो पूरी सपना हुआ, मैं बस की आई थी, सुबह जो जाती आपके शहर के साथ हुई। क्यों शहर? क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा? हम मेरे शहर नहीं हैं। अच्छा माफी चाहती हूँ, तो फिर रिश्तेदार होंगे जी, कुछ तो नया रिश्ता सुना है। इसकी बात छोड़ो बहन, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने क्लिनिक में नौकरी दिला दूंगी, 5-6 साल की तनख्वाह तो मिली जाया करेगी। 500-600 से एक शराबी बाप और भाई का गुजारा नहीं हो सकेगा। तो आप इसी तरह बेकार रहेंगे? जी नहीं, कोई ना कोई नौकरी तो तलाश करना ही पड़ेगी। बिना तुमने बहुत ठीक और सादर मुंडी का फैसला किया, अगर तुम नौकरी के लिए राजी ना होती ना तो मेरी मर जाते। देखो मुझसे रेडी की हालत नहीं देखी जाती। अब हम दोनों का फर्ज है कि हम दिन रात मेहनत करके ना सारे कर्ज उतारते हैं। मैं तो यही करी होगी, लेकिन तुम तीनों बहन तुम देखो तो सही होता क्या है। मैं तो अपने खून पसीना करके सारे कर्ज उतारना चाहता हूँ, बस तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त हो जाए तो तुम देखो होता क्या। आज मेरे साथ बिना बहन मान जाओ, मेरे भाई आ जाओ ना। आइए आइए मिस बीना, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? आराम से सुनने की कोशिश करो मेरी बहन, शराबों का सौदा तुम्हारे लिए नौकरी का बंदोबस्त किया।
دراصل ہم نے آپ کو ایک دوا ساز کمپنی میں بطور سیکرٹری ملازمت دلوانے کا بندوبست کر لیا ہے. 1500 روپے ماہوار تنخواہ مل جائے گی. اور پوری بات یہ ہے کہ آپ کو ملازمت ملنے کے بعد ہم نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں کہ دوا ساز کمپنی کی دواؤں اور شوکت سیٹ کی دواؤں میں رد و بدل کر کے بازار میں بیچیں گے. لاکھوں روپے کا فائدہ ہوگا ہمارا آپ کا 50-50. لیکن دواؤں کا بدلنا تو جو ہے جمع کام نہیں کر سکتی. لیکن ماں باپ کا قرض نہیں لینا. لیکن سن لیکن آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ سوسائٹی میں تباہ ہونے والی عزت سمجھ جائے گی. اس کے لیے اگر ایک دولت مند تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے. آخر تمہارے باپ کو بھی کنگال کرنے میں ایک دولت مند کا ہی ہاتھ تھا. آپ کی جنگ کسی غریب سے نہیں ایک سرمایہ دار سے ہے. اس بنا سرمایہ دار سے جو سستی دوائیں مہنگے داموں بیچ کر بیوی کا خون چوستا ہے. لیکن سیٹ شوکت وہ دوائیں سستے داموں فروخت کر کے غریبوں کی خدمت کرے گا. یہ نیکی ہے اس بنا نیکی. مان جاؤ بیوی بہن مان جاؤ ہمارا سارا کچھ دور ہو جائے گی. لیکن یہ کیسے بڑی ہے کہ مجھے وہاں نوکری مل ہو جائے. اس کا انتظام ہم پہلے کر چکے ہیں. اس بنا اس کمپنی کی سیکرٹری کو ہم نے زیادہ تنخواہ پر اپنے یہاں ملازم رکھ دیا اور اس کی جگہ پر امیدوار ہے.
बीमार किया वैसे बिल्कुल ठीक था। नंबर टू रोल पर अपने फादर को बीमार किया वो भी ठीक था। थर्ड फोर्थ रोल पर फादर मदर दोनों को मारा दोनों जिंदा था। लेकिन मैडम मैंने तो खुद बनी है छोटी मछली को खा जाती है। जंगल का बादशाह वो कहलाता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो और इस दुनिया के लोग तो कमजोर इंसान को जमीन पर गिरा देते हैं उसे कुचल कर गुजर जाते हैं। तुम्हारे डैडी के कर्जे की अदायगी उर्कशुदा मकान और बंगले की बहाली इसकी सिर्फ एक सूरत है जाहिद की तभी चेंज आ गया। चेंज आ जाने से जहन को सुकून मिल जाता है। शरफत मिस बीना को हमारे प्रोग्राम से आगाह कर दो। मिस बीना हमारे पद प्रोग्राम ये है कि कल आप अपने बॉस के पास एक नया ड्राइवर मुलाजिम रखवा देंगे। पुराने ड्राइवर का हम पहले ही दिया पाचा कर चुके हैं। लेकिन इससे आपको क्या फायदा? एहतियात नहीं बल्कि इत्मीनान रहे कि ड्राइवर के रूप में शराफत अली वहां मौजूद है। Thank you.
करने के बजाय Yeah.
तुम्हें भी मतदान करनी होगी। क्या बताऊं दीदा, यूं लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तूफान आया और आके चला भी गया, अब तो सिर्फ तबाही है तबाही। हबीबा, हबीबा तुम्हारी नहीं रही। क्या कहती हो? आज कुछ लोग आए थे घर में। कैसे लोग? जिन्होंने सवाल बनकर मुझे मान लिया है। फिर क्या, माँ ने मना कर दी है। मना कर दी? डॉक्टर लेने आई यहाँ बताने के लिए आई थी। क्या बताने के लिए? कि मैं मर जाऊं तुम्हारे बगैर, जिंदा नहीं रहूंगा। अगर तुम दूसरी जगह शादी कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूं, समझी? Oh, 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 oh
मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ? गुड। इसका मतलब है आपके घर के हालात भी ठीक हो गए? जी हाँ, लेकिन दिल में हालात बिल्कुल तबाह हो गए। क्या है जो आपको अपने घर वालों से बात करनी है? जिस तरह से आपसे बात करना खुश है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले भैया खुद इस जुर्म में गिरफ्तार हो जाएंगे। जल्दी करो, इन खंडों को जल्दी से पोस्ट कर देते हैं ताकि दोनों को एक साथ मिल जाए।
मौसम का दिल ना तो शर्मा देगी आदत छोड़ इस मौसम का दिल ना तो शर्मा देगी आदत छोड़ सुन जाओ मौसम को मनाए के लिए घर में जाए।
खुदा के नाम पर जुर्म और गुनाह हमारे नाम पर, जो चाहे गुनाहों के इस रास्ते पर लौट आओ इस बिना, वरना तुम्हारे इनकार से पहले तुम्हारे बेटी की लाश तुम्हारे सामने तुम्हारे रोशन जमीर का मातम करेगी। जिनसे दोस्ती करने का गुनाह तुम पहले ही कर चुके, अब दोस्ती निभाने का वादा भी कर लो, वरना वान शबनम के आखिरी पत्रे भी छीन ले शौकत, वरना कभी कभी शबनम का एक पत्र भी समंदर बन जाया करता है। ये मौज एक पूरा कागज है, इस पर दस्तखत करता हूं। ये पूरा कागज तुम्हारी हमारी दोस्ती और तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी का परवाना है मिस दीया। लो क्या बात है भाई, क्या भाई परेशान है, किस बात ने अपसेट किया? किसी बात की भी नहीं जाए, कुछ भी नहीं। झूठ बोल रही, सच बात है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। We'll be right back.
ہماری ابھی اسی کمپنی کی بنی ہوئی ہے، ہمارے پولیس کو دینا ہے۔ ہاسپٹل کے بس پر مرنے والے انسان بہت بڑا ثبوت ہے۔ چپ ہو جا دیوا، مجھ پر جو قیامت ٹوٹل سے ٹوٹ چکی ہے، جانے کل کا سورج کون سی قیامت لے کر آئے گا۔ یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے۔ جی ایس پی صاحب، میری کمپنی میں بڑی ہوئی دوائیں غلط نہیں ہو سکتی۔ جی ایس پی صاحب، آپ خود سوچیے، جو دوائیں مریضوں کے لیے بنائی جاتی ہیں میں ان میں زہر کیسے ملا سکتا ہوں؟ ارے ویل سر مسٹر صاحب، آپ اپنی فیکٹری کے تمام ملا دیں، فیکٹری سے باہر نکال، مجھے فیکٹری سیل کرنے کے آرڈر۔ تم سب جاؤ میرے پیچھے۔ Yeah.
جعلی دواؤں کے کاروبار میں ملوث ہے, اس لیے اس نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے ہی آدمی بھجوا کر اپنے فیکٹری کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا. یہ جھوٹ ہے جج صاحب, غلط ہے, بہتان ہے. کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ نہیں کر سکتا. میری فیکٹری میری زندگی میرا ایمان ہے. میں نے اپنی فیکٹری کو تباہ نہیں کیا جج صاحب, میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا. میں بننے والی دواؤں کی بلیک کرنے والے شرافت نامی ایک شخص کے دوست شوکت نے چند مہینے پہلے مجھے اپنے گھر بلوا کر یہ دھمکی دی تھی کہ میں اس کے دوست کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں. مجھے یقین ہے یور آنر کہ اس واردات کا اصل مجرم شوکت نامی شخص ہی ہے. مجرم ظاہر سے شوکت کا ایڈریس معلوم کر کے اسے شہادت کے لیے طلب کیا جائے. سماعت آئندہ ماہ کی 10 تاریخ کو ہو. مسٹر شوکت, خدا کو حاضر و ناظر جان کر اقرار کریں کہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ کہیں گے. میں خدا کو حاضر ناظر کر کے اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. مسٹر شوکت, آپ عدالت میں موجود مسٹر زاہد کو جانتے ہیں؟ جی ہاں, بڑی اچھی طرح. اور آپ تو انہیں گھر میں ٹیلی فون کر کے بلوایا بھی تھا. حقیقت ہے. اور آپ نے انہیں دھمکی بھی دی تھی؟ جی ہاں دی تھی, لیکن یہ دھمکی اس لیے دی تھی کہ یہ جعلی دوائیں بنانے کا مذموم کاروبار ترک کرتے. یہ غلط ہے جج صاحب, جھوٹ ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو آج ملزم میں اور گواہ یہ ہوتا جس کے ماتھے پر ان گنت انسانوں کا خون لکھا ہے. یور آنر, اس شخص نے مجھے اپنے دوست شرافت کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی دھمکی دی تھی. جی ہاں دی تھی, ضرور دی تھی, لیکن یور آنر شرافت میرا دوست نہیں, اس کی کمپنی کا ڈیلر تھا جو جعلی دوائیں بیچتا تھا اور سزا یافتہ ہے. دیٹس آل یور آنر. ملزم نے اپنی صفائی میں جسے گواہ کے طور پر پیش کیا تھا اس نے اس کی مجرمانہ زندگی کو بے نقاب کر دیا. اس مقدمے کی ایک اہم بات یہ ہے یور آنر کہ ملزم کی ماں شکیلہ بیگم کا جائے واردات پر بے ہوش پایا جانا اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ماں نے صرف اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے آدمی بھجوا کر فیکٹری کو ڈائنامائٹ توڑوا دیا. یہ میری فرشتہ صفت ماں پر الزام ہے جج صاحب. میری ماں ایسا جرم نہیں کر سکتی, ایسا جرم نہیں کر سکتی. عابد, امی کی طبیعت ابھی تک سنبھلی نہیں, میرے خیال میں ان کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. کسے دکھاؤں دیپا؟ اصل صدمہ تو بھیا کا جرم ہے جو شاید امی کی موت بن جائے گا. خدا نہ کرے ایسا ہو. تم کل ہی امی کو گھر شفٹ کر دو. یہ تو ہاسپٹل کی فضا سے کچھ دہشت ہی ہوتی ہے. مسٹر زاہد کی ماں ہسپتال میں بیمار ہے یور آنر. اس کے صحتیاب ہونے پر اسے بطور گواہ عدالت میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے. اس کی گواہی بیکار ہے یور آنر, اس لیے کہ ملزم کی ماں گونگی ہے. گونگی ہے, بے آواز ہے, بول نہیں سکتی. بے آواز تو خدا کی ذات بھی ہے یور آنر, لیکن انصاف کے تقاضے اس توقع پر مت کیجیے کہ اسے ہر کوئی پورا نہیں کر سکتا. درخواست منظور کی جاتی ہے, ملزم کی ماں کو صحت یاب ہونے پر عدالت میں پیش کیا جائے اور مسٹر زاہد کو اس کی ماں کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے. پرمیشن گرانٹڈ. تھینک یو یور آنر. امی, بھیا آپ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ بس آنکھیں کھولے سامنے تکی جاتی ہیں, بات سن کر اشارہ سے بھی جواب نہیں دیتی. امی, آپ کا بے زبان ہونا ہمارے لیے پہلے ہی ایک امتحان تھا جس سے نہ جانے ہم کب سے گزر رہے ہیں, لیکن خدا کے لیے یہ تو بتائیے کہ وہ کون سا راز ہے جس نے آپ سے اشاروں کی قوت بھی چھین لی. بتائیے امی, وہ کون سی بات تھی جو آپ کو رات کے اندھیرے میں فیکٹری کے بلاسٹ ہونے سے پہلے فیکٹری میں لے گئی تھی؟ بتائیے امی, آپ بتاتی کیوں نہیں؟ آپ فیکٹری کیوں گئی تھی؟ بتاتی تھی امی, نہیں تو آپ کا بے گناہ بیٹا قانون کی نظروں میں مجرم ثابت ہو کر پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے گا. امی جان, اب
اپنی زندگی کے لیے نہیں انصاف کی جیت کے لیے ممتا کو جھنجھوڑنے آیا اپنی بے زبان ماں کی خاموشی کو آواز بنا کر انصاف مانگنے آیا وہ امی خدا کے لیے بتا دیجیے نہیں تو آپ کا ظاہر پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے گا آپ کا ظاہر مجرم بن جائے گا آپ کی امی کچھ کہنے کے قابل نہیں چلیے مسٹر سائز ملاقات کے لیے اتنا ہی وقت چلیے احتجاج وقت کی نا انصافی بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے انصاف کی صورت بھی دیکھ رہا ہوں آپ کا بیٹا ناظرین بیٹا حاجی کے بندے پر پہنچ جائے گا آپ کا بیٹا مجھے بنتا ماسی کے پھندے پر پہنچ جائے گا آپ کا بیٹا مجھے بنتا ماسی کے پھندے پر پہنچ جائے گا فاضل وکلا کی جرا اور مقدمے کے حالات کی روشنی میں عدالت ملزم زاہد کو جاری دواؤں کے کاروبار میں ملوث پاتی ہے جس کے باعث کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں لہذا عدالت ملزم زاہد کو زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان سزائے موت دیتی ہے میرا بیٹا قاتل نہیں امی آپ بول سکتی ہیں میں بول سکتی ہوں زاہد بیٹے قدرت نے تیری بے گناہی کے صدقے گونگی ماں کی آواز کے کفل توڑ دیے جج صاحب میں ماں بن کر آئی ہوں ایسی ماں جس کے نام پر قیامت والے دن سب کو پکارا جائے گا خدا زندگی دیتا ہے اور قاتل چھین لیتا ہے زندگی قاتل دشمن ہے خدا کی صفات کا اور خدا اپنے دشمن کو دنیا کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع کبھی نہیں دیتا کبھی نہیں دیتا میرے سامنے بیٹی کی بے گناہی کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں جج صاحب کوئی ثبوت نہیں اگر میرا بیٹا گناہگار ہوتا تو خدا سالوں پرانی گونگی ماں کو بولنے کی قدرت کبھی نہ دیتا او خدا جس نے نیل کو شک کر دیا تھا حضرت موسیٰ کا بیڑا پار کرنے کے لیے وہ خدا جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا وہ خدا جس نے حضرت عیسیٰ کو زبان میں مریم کی پارسائی کی گواہی دینے کے لیے اور اسی خدا نے ماں کو زبان دی ہے بیٹے کی بے گناہی کے لیے اور آپ کے انصاف کو سرخرو کرنے کے لیے اگر اب بھی آپ میرے بیٹے کو گناہگار سمجھتے تو اسے سزا دے دیجیے گا سزا ماں کی بد دعائی عدالت کو قیامت کا دربار بنا کر آخری منصف سے جہاں انسانوں کی نہیں فرشتوں کی گواہی سنی جاتی ہے فرشتوں کی گواہی اور خدا نے تو گناہگار سے گناہگار ماں کو بھی فرشتے کے نام سے منظور کیا ہے فرشتے کے نام سے منظور کیا ہے بتائیے میرا بیٹا گناہگار ہے بتائیے جیسا میرا بیٹا گناہگار ہے نہیں گناہگار تو ہمارا ڈرائیور مجید تھا جس نے فیکٹری کو ڈائنامائٹ چھوڑایا تھا اسے گرفتار کر لیجیے جج صاحب ہاں اسے گرفتار کر لیجیے میرے بیٹے کے ماتھے سے لگی تہمت خود بخود اٹھ جائے گی خود بخود اٹھ جائے گی خود بخود اٹھ جائے گی امی جان یہ دیکھو تمہارے ساسی کی داستان جھوم جسے تم نے الٹ کر دیا تھا
ने शराफत को बलाए ताक रखकर जाहिद की फैक्ट्री तबाह कर दी है। उसके चुम से एक बेगुनाह इंसान पार्टी के फंदे तक पहुंच जाएगा। और ऐसा नहीं होगा बेबी, अगर वो रोल गोल बन गया तो हर मछली गोल बनकर उसके खिलाफ गवाही देगा। उस मुजरिम का पहचान हम बताएगा जज साहब, हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो जज साहब। उस क्रिमिनल का नाम शराफत है जज साहब, वो पक्का फ्रॉड है। उसको ऑल गेटअप हमने दिया, उसने सारा जिंदगी रीटा से फ्रॉड किया, लेकिन रीटा अपना मुल्क से फ्रॉड बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको फांसी लगा दीजिए जज साहब, फांसी। इस बात का गवाह कौन है मैडम, और शराफत की पहचान क्या है? सबूत हम अपने साथ लाया है जज साहब। ये लड़की दीपा हमारा क्लिनिक में काम करता, इसके पास शराफत का सर्टिफिकेट है। मिस दीपा को पेश किया जाए। वो इधर हाजिर है जज साहब, आओ दीपा। क्या नाम है आपका? अदीबा। कहिए जो कुछ कहूंगी खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर सच कहूंगी। जो कुछ कहूंगी खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर सच कहूंगी। जज साहब, मैंने अपनी आंखों से शराफत को मिस्टीका से सूलिए वाला गेटअप कराते देखा था जो अखबार में छपा है। ये उसकी असल तस्वीर है। सबको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। वो यही है, वो यही है। वो पकड़े। तुम्हारे आशिक के गिर्द मौत मंडला रही है और तुम्हारे गिर्द तुम्हारा ये आशिक। आज मैं अपने आंखों की तकमील तुम्हें लूट कर करूंगा। नहीं जालिम, नहीं। तू अगर जीत गया तो इंसानियत हार जाएगी। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता। शोका सेठ, शोका सेठ, शोका सेठ, खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया शोका सेठ। अदालत और पुलिस को मेरी पहचान हो गई, सारा भेद खुल गया। वो लोग इसी तरफ। हरगिज़ नहीं, जानते नहीं इस तहखाने के दरवाजे। तहखाने दरवाजे पर खड़ी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओ, 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 ज्योति के भी पर निकल आए हैं। मौत चींटी की सूरत में आए तो ज्यादा खौफनाक होती है सेठ। आज तेरे जुल्म का आखिरी दिन है। आखिरी दिन किसका होता है ये तो वक्त ही बताएगा बेटे। Thank you.
पता मौत किसका इंतजार कर रही है। खूबसूरत इत्तेफाक है, लेकिन सेठ ये खूबसूरत इत्तेफाक मेरा है। तेरी ये मजाक कुत्ते, मैं ही जिंदगी हूं। अरे तेरी जिंदगी तो चंद लम्हों की मेहमान है नाकाम आशिक, देख जरा गौर से देख, तेरी महबूबा तेरी मौत का सबब बनेगी। जमील जी, जाहिद की महबूबा और उसके भाई को जकड़ कर बांध दो, आज मौत का खेल मेरी मर्जी के मुताबिक खेला जाएगा। क्यों, बहन को बांधना मुश्किल काम लगता है? तो ये काम मैं खुद किए देता हूं। शाबाश, ये हुई ना बात। Easy, baby, easy. इन लोगों से रहम की भीख मत मांगो अदीबा, यहाँ तो भाई इतना जलील हो गया है जिसे अपनी बहन की भी पहचान नहीं रही, तुम्हारी चीख कौन सुनेगा यहाँ? मैं सुनूंगा, मेरे सिवा और यहाँ कौन सुन सकता है? और फिर तुम सबका हमदर्द मैं ही हूं ना। हाँ, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये कि ये खूबसूरत गुड़िया तुम्हारे महबूब के पास जाकर मेरा हुक्म सुना दे के वो अपनी लंबी जबान बंद रखे, वरना जानती हो क्या होगा गुड़िया? नहीं जानती है? मैं बताता हूं, तुम्हारा ये आशिक और जाहिद की महबूबा दोनों तड़प तड़प कर जान दे देंगे, बाकी सब खैरियत है। जाओ मेरा हुक्म पहुंचा दो, मैंने तुम्हें आजाद किया। ये तुमने बहुत गलत किया है सेठ, ये लड़की रास्ता जानती है और पुलिस को लेकर भी आ सकती है। शौकत इतना नादान नहीं मेरे बेवकूफ दोस्त, जैसे ही मेरा पैगाम जाहिद तक पहुंचेगा उस पीना और आपका भाई आतिक दोनों दुश्मनों के कब्जे में है, बोल चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए अपनी जुबान बंद रखें, वरना वो बिना अभी दोनों को गोली मार देंगे। जख्म कैसा है, दर्द तो महसूस नहीं होता? वहां का रास्ता जानती हो? हाँ, चलो मेरे साथ।
हाल को मारकर बाजू का कचूबा ही निकाल दिया है। शराफत जमीन, हम लोग पुलिस के घेरे हैं, यहां से फौरन भाग निकलने की कोई सूरत निकालो। चल डॉक्टर, तुम भाग गए तो दुनिया मुजरिम का अंजाम कैसे देखेगी? ओ अच्छा हुआ तुम आ गए, मरता हुआ शेर रकीब का लहू पीने की आरजू तो पूरी कर सकेगा। नहीं दोस्तों नहीं, इसकी मौत तुम्हारे हाथों नहीं मेरे हाथों लिखी। तेरे हाथ मुजरिम के हाथ है शौकत, खुदा गुनाह और मुजरिम की रस्सी जरूर दराज करता है लेकिन उसके नसीब में जीत नहीं होती। उस पर वार न करने का वादा करने वाले कमजोर और बुजदिल दुश्मन अपने साथियों से कब गोलियां चलाएं? गोलियां चलाने का इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें इल्म है ना कि मेरे साथी मेरी हुक्म उदूली हरगिज नहीं करते। बिना मैं तुम्हारे आशिक को पिस्तौल से नहीं खंजर से मारूंगा ताकि इसका गर्म गर्म लहू मेरे इंतकाम की आग बुझा सके। मेरे मरने के बाद भी अगर तू अपने जुर्म का इकरार कर ले और जाली दवाइयों के कारोबार से तौबा कर ले तो मुझे तेरे हाथों मरने पर कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन तू एक बार मान तो सही कि मरने वाले मेरे नहीं तेरे जुर्म और दौलत की हवस का निशाना बने। नहीं नहीं, मुझ पर बार कर जाहिद, बार कर मुझ पर के मैं इकरारे जुर्म की बजाय तेरी तड़पती हुई लाश देखने की तमन्ना लिए बैठा हूं। मैं बीना को बताना चाहता हूं कि बुजदिल मैं नहीं तुम हो, तुम बार कर मुझ पर, बार कर। अरे शौकत गिरा भी तो दीवार बनकर गिरेगा जिसके तले मैं नहीं तुम दबकर बचाओगे। याद है ना मैंने क्या कहा था? तुमने झूठ कहा था और मैं उसी झूठ की तुम्हें सजा देने आया हूं और यह सजा मैं उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक तेरी आखिरी सांस। कानून के पहुंचने से पहले शौकत तेरी जिंदगी खत्म कर देगा। तुझे मौत का खौफ नहीं है, तूने मरीजों की जिंदगी से खेलते वक्त यह भी ना सोचा कि तेरी जाली दवाएं से तेरी अपनी मां बहन बेटी मर सकती है। बोल, मेरी असली दवाइयों को नकली दवाइयों में तूने बदला था? हां, मेरे कहने पर सब कुछ हुआ था। बोल, मेरी फैक्ट्री को डायनामाइट से तूने उड़ाया था? बोल, हां यह भी मेरे कहने पर हुआ था, मेरे कहने पर। जमील, तू? हां जमील, जमील ने तेरे इशारों पे नाच के देख लिया है शौकत, लेकिन इस भ्रष्ट इंसान ने मेरी आंखों से गुनाह और लालच की पट्टी उतार दी है। खामोश लालची कुत्ता।
होता, मालिक का वफादार होता है, और मालिक हम सबका खुदा है। शौकत, तूने बिना पर ज्यादती की और मैं खामोश रहा, इसलिए कि मैं अकेला था। तूने मुझे जायदाद का लालच देकर खरीदा और मैं बिक गया। लेकिन आज मैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करूंगा। शौकत, नमक हराम, पहले मैं तुझे खत्म करूंगा। शौकत, जीएसपी साहब, दवाएं भी मैंने बदली थी और फैक्ट्री को डायनामाइट से भी मैंने उड़ाया था। जाहिद बेकसूर है। जाओ जाहिद, तुम्हें बीना के सत्ते बख्श दिया, जालिम क्या याद करोगे? दूसरों का लहू बहाना आसान काम है, लेकिन अपने आप को मारना बहुत मुश्किल। हाँ बेटी, शकीला मेरी बहन है, आज इसने आकर हमारी सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। अम्मी, ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हैं बेटी, ये तुम्हारी खाला और ये तुम्हारे खालू हैं, बीनैनी की बेटी है मेरे बेटे। देख दिल का थोड़ा कागज लिख दिया मैंने सलाम, आपके हुस्न के नाम पे दिल का खोरा